हाय गाइस, ये है मेहंदी जिसको मैंने लोहे के बर्तन में इसकी प्रिपरेशन की है, इसको बनाया हुआ है, इसको भिगाया है मैंने और कल इसकी एप्लीकेशन करूंगी अपने बालों पर। बालों की ग्रोथ के लिए तो अच्छा है, बालों को अच्छे से डाई कलर प्रोवाइड कराता है। मेहंदी मेरी फेवरेट है और मेरी तरह बहुत सारे हजारों लाखों में लोग होंगे जो मेहंदी के शौकीन होंगे और दिल से मेहंदी का हेयर पैक अपने बालों पर लगाना पसंद करते होंगे। आप भी अगर विंटर्स में मेरी तरह एक फितूर रखते हैं मेहंदी लगाने का बालों पर तो नीचे कमेंट ज़रूर से कीजिएगा। मुझे भी पता लगना चाहिए कि कौन कौन ऐसा है जो विंटर्स में भी मेहंदी लगाने का शौकीन है, मेहंदी लगाना पसंद करता है। मुझे बहुत पसंद है अपने बालों में मेहंदी की एप्लीकेशन करना। इसकी कई वजह हैं, क्योंकि ये मेहंदी जो होती है आपके बालों को कंडीशनर करने के साथ साथ सिल्की और मुलायम करती है। दूसरी बात, एक हेयर पैक से आपकी बालों की सारी प्रॉब्लम्स क्योर हो जाती हैं। तीसरा ये है कि ये हर्बल होती है, नेचुरल होती है और बहुत जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। कुछ एप्लीकेशंस में ही आपके बाल बहुत अच्छे से ट्रीटमेंट पा जाते हैं। इसको लगाने के बाद आपके बालों पर कलर आता है तो बस पूछिए मत। मेहंदी का हेयर पैक लगाने वाले लोगों के बाल लॉन्ग टाइम तक काले भी होते हैं, अच्छे होते हैं, मजबूत बहुत होते हैं, क्योंकि एक नेचुरल चीज़ है। आप देख सकते हैं मैंने लोहे के बर्तन में इसकी प्रिपरेशन की है, इसको बनाया है मैंने। हमेशा लोहे के बर्तन को ही मैं चूज़ करती हूँ। अगर आपको जानना है कि सर्दियों में मेहंदी कैसे लगाएं कि ज़ुकाम, नज़ला, खांसी नहीं हो और ठंड ना लगे और अच्छी तरह से आप अपने बालों पे मेहंदी लगा सके विंटर्स में, देखिए सर्दियां आ गई हैं, मैं जिस तरीके से लगाती हूँ उसका पूरा वीडियो मैंने अभी आपको कुछ दिन पहले शेयर किया है, उसका मैं लिंक लगा दूँगी, डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगी। अगर आपने वो वीडियो देख लिया तो आपकी सारी सॉल्यूशन मिल जाएगी, यानी कि विंटर्स में भी आप आसानी से मेहंदी लगा सकते हैं। उस विंटर वाली मेहंदी वाली वीडियो को आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा। एक वीडियो अगर आप देख लेंगे ना तो आपकी पूरी लाइफ टाइम आप आसानी से मेहंदी लगा सकते हैं और आपको सर्दी जुकाम नहीं होगा, ठंड नहीं लगेगी। बहुत फ़ायदे का हेयर पैक है वो और बहुत अच्छी तरीके से मैंने पूरी डिटेल और अपना सीक्रेट बताया हुआ है, तो उसको ज़रूर से वॉच कीजिएगा। अब आते हैं हम इस पर। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले एक लोहे का बर्तन लिया है, उसमें 30 ग्राम्स मेहंदी ली है। ये मेहंदी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी है और पूरा एक्सट्रैक्ट लोहे का इसमें आ चुका है, यानी कि ये मेहंदी पूरी तरीके से हेल्दीएस्ट है, बालों को काला करने का भी काम करेगी। ये देखिए कुछ इस तरह से है और कल तक में ये थोड़ी सी ड्राई भी हो जाएगी। ये पूरा अर्क लोहे का इसमें आ गया है, इससे बालों को बहुत फ़ायदा मिलता है, आयरन मिलता है जिससे बाल काले होते हैं और लंबे होते हैं। आयरन आपके बालों को जब जब मिलता है तो यानी कि आपके बालों की ग्रोथ इंक्रीज होने लगी है। तो ये हेयर पैक आपको मस्ट देखना है और लगाने का तरीका भी बहुत आसान है, जैसे आप मेहंदी लगाते हैं सिंपली वैसे ही लगाना है। तो इसके लिए मैंने एक बर्तन में चाय की पत्ती के साथ 2 चम्मच चाय की पत्ती ली थी और उसमें 1/2 लेमन डाल दिया था, उसको बॉयल किया, उसमें मैंने साथ में डाल दिया था 4 से 5 लौंग। चाय की पत्ती जो होती है वो न्यूट्रिशन से भरपूर होती है, बालों को हेल्दी करती है और कंडीशनर भी करती है। लौंग आपके बालों को काला करती है और सर्दी में गर्माहट प्रोवाइड कराती है ताकि हमको सर्दी भी नहीं लगे। फिर इसके बाद मैंने ऐड जो किया था वो बालों को प्रोटीन टच देता है, यानी कि बालों को आपको अलग से प्रोटीन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। फिर इसमें मैंने ऐड किया था एक एग यानी कि अंडा। ये प्रोटीन रिच्ड होता है, नेचुरल होता है और आपके बालों की गिज़ा है, बालों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक अंडे से जो है कम होती हैं। यानी कि अगर आप अपने बालों में रेगुलर अंडे का यूज़ करते हैं या फिर इस तरह से मेहंदी का यूज़ करते हैं तो बाल बहुत अच्छे होने लगते हैं, बालों की ग्रोथ भी बढ़ती है। तो आप देख ले मैंने क्या क्या चीज़ें अपने मेहंदी में ऐड की है। ये रहा एग, ये रहा चाय की पत्ती और ये रही हमारी क्लोव्स यानी कि लौंग और ये रहा हमारा लेमन। इन सब चीज़ों की प्रिपरेशन हमने अपनी मेहंदी में की है और 2 से 4 घंटे मैंने इसको रख दिया था, जिसकी वजह से इसका कलर एकदम से काला हो चुका है। अब कल इसको मैं नेक्स्ट डे अपने बालों पर इसकी एप्लीकेशन करूंगी। 2 से 3 घंटा रखने के बाद इसको सिंपली वाटर से मैं धो दूंगी, रात में हॉट ऑयल मसाज करूंगी अपने सिर पर और फिर उसके नेक्स्ट डे अपने बालों को शैम्पू कर लूंगी। जो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ लेकिन मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला करें। और अभी तक मेरे साथ आप बने थे उसके लिए बहुत ज़्यादा दिल से शुक्रिया करती हूँ
और मेरी वीडियोस को शेयर किया करें अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ। तो अब मुझे दें इजाज़त, टेक केयर, बाय बाय।